समय उस कसाई को झेलना बड़ा लगता है, माने कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, ये इसको बड़ा बुरा लगता है। मरना बुरा नहीं लगता, मरना बड़ा नहीं लगता इसको, मैंने मरना हल्का लगा तभी तो मरने की सोची। यानी कि मतलब समझ आया ना कि क्रोध में जिस जिस वस्तु को परिणमन कराना चाहता है वो वस्तु परिणमन नहीं कर रही है, तो ये उसको स्वीकार नहीं हो रहा है। मरना स्वीकार है लेकिन वो स्वीकार नहीं, तो इसका इसी मतलब कसाई लगता बड़ी हो गई, है, मरना आसान लगता मरना आसान लगता है ना। रात्रि भोजन में क्या क्या दोष है? रात्रि भोजन से अनेक बीमारियां हो जाती हैं, कभी कभी जीवन भी धोखे में पड़ जाता है। लालसा अधिक होने से राग की तीव्रता होती है जिससे पाप बंध अधिक होता है। लालसा अधिक होती है माने कि भाई जब जिनवाणी कह रही है कि रात्रि में भोजन करने से अनंत जीवों का घात होता है, और हम कहते कहते भी फिर भी रात्रि भोजन कर रहे हैं, तो हमारी लालसा पता लग रही है ना, हमारी लालसा कितनी है। मान लीजिए पिताजी ने हमारे कहा कि ये नहीं करना, तो वो मना करते करते भी अगर हम वो कार्य कर रहे हैं तो हमें पिताजी की विनय का कोई ख्याल नहीं है, उस काम के प्रति लालसा कितनी है ये पता लगता है। ऐसे ही अगर हम रात्रि में भोजन करते हैं तो जिनवाणी की अभिनय तो हो ही रही है, क्योंकि हम जिनवाणी की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और हमारी लालसा का भी हमें पता लग रहा है जिससे पाप का बंध अधिक होता है तथा आत्म साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आत्म साधना में बाधाएं कैसे उत्पन्न होंगी? कि भाई जीव को जब इस प्रकार के अनर्गल प्रवचन प्रवृत्ति करने का भाव आएगा तो उसको जिनवाणी समझ में नहीं आएगी, जिनवाणी के बोल उसके हृदय में नहीं समाएंगे। मैंने आप ये सोचो कि एक जैन को तो जन्म से ही, मैंने जन्म से ही उसको मद्मास मधु और ये अष्टमूल गुणों का पालन होना चाहिए एक जैन को। हम लोगों का जो जैन कुल में जन्म हुआ है उससे तो हमें ये लगना चाहिए कि भाई हमारा तो रात्रि में कुछ भी मतलब ग्रहण करने का भाव ही नहीं आना चाहिए। अब काल इतना निकृष्ट है और हमारे पुरुषार्थ की हीनता है, वास्तव में तो हमारे पुरुषार्थ की हीनता है, काल को हमें दोष नहीं देना चाहिए। काल क्या कहेगा इसमें? आज भी बहुत से सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत पालन कर रहे हैं, रात्रि में जल तक ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारे ही पुरुषार्थ की हीनता है। आत्म साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बाधा कैसे उत्पन्न होगी? भाई रात्रि में भोजन करेगा तो बनाना भी पड़ेगा तो उसमें उपयोग लगाना भी पड़ेगा, है, और उपयोग लगेगा तो फिर समय मिलेगा नहीं, आत्म साधना में बाधा होगी। इत्यादि अनेकों दोष रात्रि भोजन में हैं। इसके विस्तार के लिए 12 नंबर 3 पर दे रहे हैं। हाँ, कभी कभी जीवन मान लीजिए रात्रि में भोजन कर रहे हैं और लाइट चली गई और भोजन में कुछ ऐसा जहरीला मच्छर पड़ वच्छर चला गया जाए पता नहीं चलता, और हमारे पेट में जाके इन्फेक्शन हो जाए तो जीवन भी खतरे में पड़ जाए। ये खाली बात में गए दो होने के बाद 28 केस पड़े पूरा दिया है। देखो हमारी है ना थोड़ा सा ये कमजोरी है कि हम किसी चीज़ के आदि हो गए मान लो, तो हमें लगता है कि इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो मैं एक उदाहरण देके शुरू करता हूँ। अभी जनवरी में ठंड पड़ेगी, बहुत तगड़ी ठंड पड़ेगी, और हम सारे शरीर को ढक लेंगे, हाथ पैरों को भी ढक लेंगे, हथेली को भी ढक लेंगे, जुराब भी पहन लेंगे, सब कुछ ढक लेंगे, लेकिन इतना चेहरा नहीं ढकेंगे, ढक ही नहीं सकते, ढकेंगे कैसे, बाहर कैसे जाएंगे, देखेंगे कैसे। तो कितनी भी सर्दी पड़ जाए चाहे बर्फ जम जाए फिर भी इतना चेहरा तो खुला रहा, और चलो इतना भी मान लो इतना तो खुला है कि नहीं। क्या तो आप पापी ये ने प्रैक्टिकल खींचा देखना होगी? कि इतने हिस्से में हमें सर्दी महसूस नहीं होगी ये मैं भी सोच रही थी, क्योंकि खुला लेकिन रहता है। आपको सोच के तो ऐसे ही रहती हमारे जो थी। मुनिराज हैं वो तो नग्न हैं, उनको वैसे रहने की हैबिट है, सही लगता है, और हमें सर्दी क्यों लगती ज्यादा है? और ढाको ढाको ढाको, इसलिए हमें सर्दी ज्यादा लगती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन भी धोखे में पड़ जाता है, हमें इसकी हैबिट नहीं होनी चाहिए। पानी छान कर क्यों पीना चाहिए? स्वच्छ दिखने वाले अनछने पानी की एक बूंद में जीवाणी के अनुसार असंख्यात स्थावर जलकाय तथा संख्यात त्रस जीव हैं। अभी जीवाणी के अनुसार क्यों लिखा? क्योंकि वैज्ञानिक भी कहते हैं पानी में जीव है,
वैज्ञानिक, लेकिन कुछ जीव बतलाते हैं, वो कहते हैं मात्र 36,450 जीव है आगे आया हुआ है। कितने? 36,450। 36,450 ना, वो कहते हैं 36,450 है, लेकिन जीवाणी के अनुसार उसमें असंख्यात स्थावर जलकाई है, असंख्यात स्थावर जलकाई, उनको तो हम छान नहीं सकते, लेकिन जो संख्यात जीव हैं संख्या, उनको हम छान सकते हैं, मैंने उनको हम बचा सकते जैसे फिल्टर का पानी भी शांति लेना चाहिए जो हैं। आजकल फिल्टर का आप बोल पानी रहे। सुना हुआ थोड़ी है, हाँ उसमें भी फिल्टर का छोटा लगा पहली दिया बात तो जैसे। फिल्टर में इतनी बारीक छन्नी नहीं है कि जो वो त्रसजीवों को छान सके। अपने यहाँ मोटा कपड़ा आया है सूती, मोटा इतना कि उसको ऐसे देखा जाए तो उसमें दिखे ना आपका, इतना मोटा कपड़ा है, और उसको भी डबल करके हम छाने और फिर उसकी जीवाणी करें तब जाके हमारे वो पानी छाने। फिल्टर का पानी छना क्यों नहीं कहलाता? एक 1% को अगर उसमें पानी छन भी जाए, माने त्रसजीव अगर छन भी जाए, लेकिन वो त्रसजीव तो मर जाने वाले हैं, तो बचेंगे तो है नहीं, तो इसलिए वो पानी हमारा छाना नहीं कर रहा है। हमारा तो प्रयोजन उन जीवों को बचाना है। बचाना है, इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हजारों त्रस जीव देखे गए हैं। बिना छने पानी में इतने जीव सदा विद्यमान रहते हैं, सदा, अतः उसका ऐसे ही उपयोग करने पर उन जीवों की हिंसा हो जाती है जिसमें हमें पाप का बंध होता है, तथा उन जीवों का शरीर उस पानी में ही विद्यमान रहने से अनेकानेक रोग भी उत्पन्न होते हैं। हाँ, कोई नारू रोग अनछना पानी पीने से उत्पन्न होता है। नारू रोग क्या है? कोई पुराना कोई रोग होगा। अनछने पानी से स्नान आदि करने पर अनेक प्रकार के चर्म रोग पैदा हो जाते हैं। ये देखो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि कोई बीमारी हो जाए तो सबसे पहले पानी के अंदर उबला पियो, उबला पियो। वो क्यों कहते हैं? उनको पता है कि बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया मर जाएंगे, वो पानी स्वच्छ हो जाएगा। अनछना पानी पीने वाला प्राणी शराब पीने तथा होटल आदि में बने भोजन आदि के सेवन से भी नहीं बच पाता, जिससे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, गृहस्थी, धन, इज्जत आदि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। अतः शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक शांति, आत्मिक उन्नति तथा अहिंसात्मक सुखमय जीवन की इच्छा रखने वाले जीव को कभी भी अनछना पानी काम में नहीं लेना चाहिए। देखो ये नियम ऐसा है कि अगर हमने छने पानी का नियम रख लिया तो हमारे सारे बाजार का त्याग हो जाएगा। बाजार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें पानी डलता है तो वो अनछा नहीं लगेगा, वो खा ही नहीं सकते। पहली ये प्रतिमा नियम में सबसे होता है ना, पहली हैं, प्रतिमा में शुद्ध जल का जाए होता है ना। तो ये पानी छानने का नियम मतलब ये इतना आसान नहीं है, हम सोचें कि ये मतलब आसान है, बहुत मुश्किल है पानी छानने का बहुत नियम सिंपल लेना। हम कहते हैं ना पानी छान के पीते हैं, सिंपल पानी छान के पीते हैं, अभी कोई पानी छान के नहीं पीते हम, अगर बाजार की वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं। देखो एक प्रश्न इसमें सिंपल भी दिया है कि सभा संचालन की पद्धति क्या है, मैंने जैसे कभी कोई कार्यक्रम हो तो उसमें सभा का संचालन कैसे करना, ये भी इसमें एक बात दी, ये भी सदाचार में है। देखो क्या कहते, सभा को व्यवस्थित पद्धति से संचालित करने के लिए संचालक एक अध्यक्ष का चुनाव कर उसे सम्मान उच्च आसन पर विराजमान करता है। उसके बाद अध्यक्ष की आज्ञानुसार संचालक अथवा कभी कभी स्वयं अध्यक्ष भी सभा का संचालन करता है। श्रोताओं को चाहिए कि वे अध्यक्ष का सम्मान करते हुए सभा में शांति से बैठें। यदि किन्हीं का भाषण सुनकर उन्हें कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो तो अध्यक्ष से आज्ञा लेकर ही भाषणकर्ता से प्रश्न पूछना चाहिए। अध्यक्ष को भी चाहिए कि वह अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए श्रोताओं की शंकाओं का यथायोग्य समाधान करें। इस प्रकार बुद्धि विवेक पूर्वक शांतिपूर्ण पद्धति से सभा का संचालन, माने कभी हमें ऐसा कोई मौका मिल जाए कि चार आदमी के बीच बोलना पड़ जाए तो हमारी भाषा ऐसी ना हो कि हम चाहते तो विनय करना है और उसकी अविनय हो जाए, है ना, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी ऐसा मौका हर एक के जीवन में नहीं आता है, वो तो एक इसलिए बीच में दे दिया है कि अगर कहीं मौका लगे तो विनय के शब्द बोलें और कैसे माने किसी को अध्यक्ष चुनकर हम उसका सम्मान करें, ये सब आपके सदाचार में है। चलिए ये गति का पाठ है, बहुत मुख्य पाठ है, ये आज प्रारंभ करें।
व्यक्ति किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। देखो, गति का एक अर्थ होता है गमन, लेकिन यहाँ गति का शब्द अर्थ गमन करना नहीं, यहाँ गति का अर्थ है कि किसी जीव की अवस्था, उसकी पर्याय, उसकी हालत, उसका नाम गति है। और वो गति होती कैसे है? गति नामक नामकरण के उदय में होने वाले जीव के मनुष्य आदि विशेष प्रकार के भावों को, आकार प्रकारों को गति कहते हैं। क्या समझ में आया? गति किसे कहते हैं भाई? अभी तक तो हम ये समझते हैं भाई नरक को नरक गति कहते हैं, किरण को किरण गति कहते हैं, लेकिन यहाँ ही गति की परिभाषा ये दी जा रही है कि गति माने अगर कोई जीव मनुष्य है तो उस जीव के मनुष्य मनुष्योचित मनुष्य जैसे आकार प्रकार, बोलचाल, उसके हाव भाव, उसके परिणाम मनुष्य गति जैसे हों तब उसके मनुष्य गति नाम होगा। वो लेकिन मान लीजिए अभी किसी के हमें मनुष्य है मान लो, और उस मनुष्य के भाव मनुष्य जैसे नहीं हो रहे, तिरंज जैसे हो रहे हैं, है? हो सकता ही नहीं हो सकता। अभी जैसे जितने भी मांस खाने वाले हैं सब तिरंज गति के तो बंद का कारण है, मांसाहारी तिरंजों के कारण है, ये सब है। उनकी गति कैसी हो रही है? मार के खाना, मार कर खाना, ये जीव सोच कैसे लेते हैं समझ में? कैसे उनको लगता है कि भाई ये उचित है? जो अपनी एक सुई चुभे हमें कितना दर्द होता है, उनको कैसे विचार नहीं आता कि भाई दूसरे के भी कितना दर्द होता होगा? ये बात उनको ख्याल में नहीं आती। यहाँ ही कह रहे हैं कि जिस गति में जो जीव होता है उसके उसी गति के अनुसार आकार प्रकार और उसके हाव भाव, उसको गति कहते हैं। वास्तव में जीव किसी गति वाला नहीं है, वह तो गतियों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है। बहुत मुख्य बात है ये कि जीव वास्तव में देखा जाए तो किसी गति से बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ होता तो जब जो गति उसको मिल गई तो बस वो हमेशा उसी गति में रहता। मैंने आज मैं मनुष्य बन गया तो ये मनुष्य गति मुझसे बंध नहीं गई, मैं मनुष्य होते हुए ही इस मनुष्य गति से भिन्न हूँ। समझ आई नहीं? जैसे ये कहा जाए कि एक सोने का पिंड है खदान से निकला, बिल्कुल ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा गोला कर, और अब वो उस आकार को छोड़कर सुनार के पास आया और वो आकार छूटकर उसका कुंडल, कड़ा, चैन ये आकार बन गया। तो वो जो आकार उसका बना है वो उसका वास्तविक आकार उसका नहीं है। देखा जाए तो वो तो द्रव्य है, जैसा है वैसा है, लेकिन नहीं, लेकिन हम उस आकार प्रकार को उस सोने का पारिणामिक भाव नहीं कह सकते। उसका पारिणामिक भाव तो उसका स्वर्णत्व है। ऐसे ही मेरे आत्मा का पारिणामिक भाव जानना देखना है। चाहे मनुष्य गति में जाऊंगा तो भी जानूंगा देखूंगा, नरक गति में जाऊंगा तो भी जानने देखने का काम होगा, किसी भी गति में, माने हम मोक्ष में भी जाएंगे तो जानने देखने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में जीव किसी गति वाला नहीं है, वह तो गतियों से भिन्न ज्ञान और आनंद का स्वभावी भगवान आत्मा है। मनुष्यादि गतियों में रहने के कारण वह मनुष्यादि गति वाला कहलाता है। मनुष्य हो नहीं गया है? मनुष्य बनने से मनुष्य हो नहीं गया भाई। आप ये सोचो कि आज से पहले, इस मनुष्य पर्याय से पहले ये जीव कहीं ना कहीं तो था ना, तो जहाँ पर था और आज जहाँ पर है तो उसके प्रदेश आत्मा के वहाँ भी उतने थे और आज भी उतने, बस उसका क्या चेंज हो गया? ऊपर की ये अवस्था चेंज हो गई, एक तरह से कपड़े चेंज हो गए। पहले नरक गति का था, कपड़े पहन रखे थे, इसमें तो कोई दोराय नहीं कि हमने जो जैन कुल मिला है वो जैन कुल हमें जैन धर्म की आराधना से मिला है, उच्च शुभ भावों से मिला है, अच्छे और किस किन भावों से मिला है?
मनुष्य गति वास्तव में अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ से बनी है। बाद में ज्यादा परिग्रह कर रहे हैं आरंभ, हाँ अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। अगर हमारा भाव ज्यादा इकट्ठा करने का होगा आवश्यकता से अधिक है तो अब हम नरक में जाने की तैयारी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नर गति का कारण है बहु आरंभ और बहु परिग्रह। ज्यादा इकट्ठा करने का भाव कहाँ ले जाएगा? तत्वा सूत्र में वह सामने लिखा है नहीं? तो हमने पिछले भाव में तो किया अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। आरंभ माने हैं, आरंभ माने हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं बहुत कम उसमें विवेक से कार्य करना, आवश्यकता से अधिक नहीं। चार लोग खाने पर आ रहे हैं, 10 लोगों का खाना बना लिया, फिर टिक रहे बाद में। हमने आरंभ में कमी करी, जितनी हमें आवश्यकता है बस उतना ही आरंभ फैला है। 2 आदमी खाने वाले हैं तो बिल्कुल उतनी ही सब्जी बनाई ताकि 1 रस्सा भी सब्जी फिटे ना, आरंभ उतना से। गैस कम से कम जलाई, पंखा कम से कम जलाया, लाइट कम से कम जितना सहन कर सकते थे उतना, मानी जितना हम जीवों की रक्षा कर सकते थे उतना आरंभ हमने। आरंभ की परिभाषा क्या हुई है जी? आरंभ की परिभाषा, आरंभ की परिभाषा कि जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उसमें विवेक रखें। वो विवेक क्या रखें कि हम हमारे से अनलग प्रवृत्ति, क्योंकि देखो एक उंगली भी हिली तो उसमें भी जीवों का घात होता है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें भी जीवों का घात होता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम आरंभ करें, कम से कम क्रियाएं करें, जितनी हमें आवश्यकता हो। हमें 1 गिलास पानी की, आधे गिलास पानी की प्यास थी, पूरा भर लिया हमने और आधा पी के ये आरंभ कम से कम। इसमें रसोई में तो बहुत ही ज्यादा, आप लोगों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा कम से कम जितना हम हिंसा से बच सकते हैं, जितना आरंभ कम कर सकते हैं है? और परिग्रह, ये 2 चीज हमें मनुष्य गति का। अब जब हमने पहले कम किया तो आज मनुष्य गति मिली, और मनुष्य गति मिली तो हमें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये बहु आरंभ और बहु परिग्रह हमें नरक। अब देखिए मनुष्य गति किसे कहते हैं? हाँ, वैसे तो इस संसारी जीव की अवस्थाएं अनेकों हैं, अनेकों हैं माने माने आप ये देखो कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनि किसे कहते हैं भाई? देखो ऐसा है कि तिरंज गति एक गति है, और तिरंज में वनस्पति का एक योनि है, और उसमें 10 लाख प्रकार की वनस्पति हैं। ये प्रभेद है कि नहीं है? 10 लाख प्रकार की वनस्पति हैं, कितने योनि में? एक ही योनि में समझ लो, तिरंज वनस्पति योनि में 10 लाख प्रकार की हो गई, ठीक है ना? तो उसमें कह रहे हैं कि वैसे तो 84 लाख है। सचित माने जो मतलब इसमें बताया था योनि में सचित अचित और ये क्या उभरी हुई ढकी हुई ये सब क्या है? ठंडा गरम मिलाते हैं सचित को होता है भाई। सचित माने जिसमें अभी जीवों की उत्पत्ति बन रही है, और अचित माने जिसमें जीवों की उत्पत्ति बन रही है। तो ये योनि में आता है? नहीं, योनि योनि में सचित अचित का भेद कहाँ पड़ा है? यानी कल किस में पढ़ रही थी वो, उसके भेद प्रभेद में अलग होगी उसकी परिभाषा। सचित अचित का अनेक प्रकार से अनेक विषयों में वो खाने में आया थी कब बताया था? और खाने में आया उसमें भी उंगली दिखती है, कारण इंद्रिय के भेदों में भी सचित अचित का आता है। हां तो मैं बोल मैं उसको पढ़ी थी, योनि में पढ़ी थी मैंने। अलग अलग प्रकार से अलग अलग न्याय कहते हैं कि वैसे तो अनेकों अवस्थाएं हैं पर संक्षेप में उन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात सामान्य रूप में गति के 4 भेद हैं, मनुष्य गति, तेज गति, नर गति और देव गति। मनुष्य गति किसे कहते हैं, ये किस अपराध का कारण जानना बहुत जरूरी है। यह जीव जब यह जीव कहीं से मरकर मनुष्य आयु, मनुष्य गति आदि कर्म के पूरे में मनुष्य गति में जन्म लेता है, मनुष्य शरीर धारण करता है, तब उसे मनुष्य कहते हैं। 2 चीजें हुई यहाँ पर, एक मनुष्य आयु और एक मनुष्य गति, दोनों में अंतर हो गया ना। 2 कर्म अलग अलग है, एक मनुष्य आयु और एक मनुष्य गति। मनुष्य गति से
मनुष्य आयु से तो आयु कितनी है? उसकी पीरियड कितना है, वो मनुष्य गति में कितने काल तक रहेगा। वो मनुष्य गति माने उस मनुष्य जाति के आकार परिणाम प्रकार, उसके हाव भाव, उसके जैसे परिणाम। माने जैसे दान देने का परिणाम है वो मनुष्य में ही है। क्या बात कर रहा है भाई, नारकी को दान देने का कोई भाव अवसर नहीं नहीं है, है, देवों को भी नहीं। तिरंचो को नहीं है, और देवों के तो है ही नहीं। तो ये जो दान देने का परिणाम है ये मनुष्य के आकार भाव मनुष्य गति नहीं है। मनुष्य गति में, तो इसका नाम गति है। माने मनुष्य गति में आने के बाद मनुष्य रूप हाव भाव होना, परिणाम होना, उसका नाम। और आयु माने उसमें कितने काल तक वो रह रहेगा। सकता है मनुष्य शरीर धारण करता है तब उसे मनुष्य कहते हैं। हम आप भी मनुष्य गति में रहने के कारण मनुष्य कहलाते हैं। वास्तव में तो हम आप सभी ज्ञान स्वभावी शाश्वत आत्मा हैं। सभी भी हैं? सभी क्वेश्चन का आंसर में ये जरूर आएगा सभी भाई, आएगा सभी। जरूर। बल्कि जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कितनी भी जीवाणी पढ़ें लेकिन इस डोर से बंधे रहना है हमें। ये एक डोर है, हमें इससे छूटना नहीं है। कभी हम मनुष्य गति का वर्णन पढ़ रहे हों और अपने आप को मनुष्य मान लें, मनुष्य नहीं है हम तो आत्मा ही हैं। ये तो कर्म के उदय की औदयिक अवस्था है भाई। मनुष्य गति हमें कर्म के उदय से मिली है ना, कर्म के अभाव से तो हमें सिद्ध अवस्था मिलेगी। तो वास्तव में देखा जाए तो हम तो वैसे स्वभावी हैं, कर्म से रहित स्वभावी, अल्प आरंभ करने और अल्प परिग्रह रखने के भाव रूप अपराध से तथा वर्तमान पर्यायगत स्वभाव की सरलता रूप अपराध से मनुष्य आयु गति का बंध होता है। अपराध देखो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह है, इसको भी अपराध कह रहे हैं। मैंने वास्तव में तो परिग्रह रखना ही नहीं अपने को, लेकिन अल्प को भी भाई, अब जहर तो एक बूंद हो, जहर तो जहर है, इसलिए कह रहे हैं कि अल्प परिग्रह रखने का भाव रूप जो अपराध हमने किया उसके कारण हमें ये मनुष्य गति मिली है। अब भले ही वो बात अलग है कि भाई बहु आरंभ बहु परिग्रह की अपेक्षा यह सही है, लेकिन वास्तव में तो पूरा ही छूटना चाहिए, बहु आरंभ और बहु परिग्रह बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ये अपराध हमने किया। अब देखो मनुष्य गति में जीव कहाँ से आता है, कहाँ से आ सकता है, इसमें ये बात भी इसमें लिखी नहीं है लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं इस पर। तो कहते हैं कि मनुष्य गति में जीव चार गतियाँ हैं, एक नरक गति, एक तिरेंच गति, एक देव गति है। तो मनुष्य गति में जीव किसी भी गति से आ सकता है, देव से भी आ सकता है, नरक से भी। नरक से भी आ सकता है और तिरेंच गति से भी आ सकता है, और जा भी किसी गति में सकता है। मनुष्य मतलब देव गति में भी जा सकता है, नरक गति में भी जा सकता है और तिरेंच गति में भी जा सकता है, सब गतियों में जा सकता है। और मनुष्य से मोक्ष में भी जा सकता है, मोक्ष चारों गतियों में भी और मोक्ष में भी, पंचम गति में भी जा सकता है। तो हमें इसकी कीमत आनी चाहिए कि मनुष्य गति की बात पढ़कर मनुष्य हमें, में तो मनुष्य भी तो होता है ना। हाँ मनुष्य भी हो जाता है, मैं सब कहीं भी मनुष्य से सब जगह के निबोध में भी जा सकता है, निबोध में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, सातों में से किसी भी नरक में जा सकता है। निगोद से सीधा मनुष्य गति में तो नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, निबोध से पहले, नित्य निबोध से अगर आएगा तो वो पहले दो इंद्रिय चिरंजीव बनेगा, वो भी तिरंज में सीधा नहीं आएगा। वो एक सामान्य कथन उस दिन बीच में चर्चा हुई थी, गर्ग जी के पुत्र आए थे तो वो भी बीच में एक दो पर्याय धारण कर गया है, सीधा मनुष्य नहीं बन सकता। तो हमें ये मनुष्य गति की बात पढ़कर इतनी कीमत आनी चाहिए कि हमारे लिए सारे रास्ते खुले हैं। 16 स्वर्ग तक जा सकता है, 16 स्वर्गों के ऊपर भी जो कल्पातीत स्वर्ग हैं वहाँ भी जा सकता है। नो ग्रेव्यत सर्वार्थ सिद्धि, यद्यपि वर्तमान में पंचम काल में तो
बारहवें स्थान से आगे जाने से, सोलहवें स्वर्ग से, सोलहवें स्वर्ग से आगे नहीं जा सोलहवें स्वर्ग से सकते। आगे जाने से। हाँ नॉन जैन जाते हैं बारहवें स्वर्ग, नॉन जैन बारहवें स्वर्ग पर जा बारह सकते सब जा और जैन हैं, और जैन जैन जा ही सकते हैं, नॉन जैन भी क्या है मतलब जैन उनको भी सोलहवें है। स्वर्ग पर जा सकते हैं, नॉन जैन बारहवें स्वर्ग पर। अब देखिए तिरंज गति किसे कहते हैं, किस अपराध का फल है। जब जीव कहीं से मरकर तिरंज आयु तिरंज गति आदि कर्म के हृदय में तिरंज गति में जन्म लेता है, तिरंज शरीर धारण करता है, तब उसे तिरंज कहते हैं। गाय भैंस कुत्ता कबूतर मक्खी मच्छर चींटी पेड़ पौधे पृथ्वी अग्नि वायु आदि सभी तिरंज गति में रहने के कारण तिरंज जीव कहलाते हैं, पर वास्तव में जीव तिरंज नहीं होता है। तो वो एक इंद्र से लेकर चार इंद्र तक सब तिरंज, एक इंद्र से लेकर और चार इंद्र तक के जीव सब तिरंज गति के जाते हैं, और सब एक से चार इंद्र तक सब सम्मूर्छन होते हैं, सब सम्मूर्छन एक बात आगे आएगी अभी, और नपुंसक होते हैं एक से चार इंद्र तक हैं। दो तीन लिंग होते ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग, तो वो सब नपुंसक ही कहलाते हैं। नरक गति के जीव भी सब नपुंसक कहलाते हैं। अच्छा तिरंज गति से जीव, अब इसमें लिखा है मायाचारी कुटिलता वंचना ठगना फसाना छल कपट आदि रूप अपराध से तिरंज आयु गति का बनता है। इसके परिणाम से मुख्यतः मायाचारी के परिणाम से जीव को तिरंज गति, जिसका उदय आने पर इस जीव को तिरंज गति प्राप्त होती है। हम सोच रहे हैं अपन कि जितने भी मायाचारी के परिणाम हैं वो हमें कहाँ ले जाने वाले हैं, जो प्रति सब हमारे चलते हैं लौकिक में, धार्मिक दृष्टि से, समाज में, किसी भी प्रकार से अगर हम मायाचारी का परिणाम करते हैं और उसमें भी अन्याय है, उसमें भी अन्याय अगर हम करते हैं तो वो मायाचारी के परिणाम हमें तिरंज गति में ले जाने वाले हैं। आजकल वैसे देखा जाए तो जैनियों में इतने कुटिल परिणाम तो नहीं देखे जाते, माने कुटिल परिणाम माने कि भाई बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हों बहुत ज़्यादा वो, लेकिन मायाचारी के परिणाम बहुत पाए जाते हैं, है कि नहीं। घर में भी, बिजनेस में भी, दुकान में भी मायाचारी के परिणाम देखने में बहुत आते, तो उसमें जीव को ये लगता ही नहीं है कि मायाचारी मेरे लिए कहाँ संबंध कराएगा। तिरंज गति में जीव कहाँ से आ सकता है, तो तिरंज गति में जीव देव गति से, मनुष्य गति से, नरक से भी आ और नरक से भी आ। ठीक है ना, नरक गति किसे कहते हैं, किस अपराध का फल है। जब कोई मनुष्य तिरंज गति में स्थित जीव मरकर नरक आयु नरक गति आदि कर्म की वजह से नरक गति में जन्म लेता है, नारकी का शरीर धारण करता है, तब उसे नारकी कहते हैं। वास्तव में जीव नारकी नहीं होता। अभी हम जहाँ रह रहे हैं उस पृथ्वी के नीचे अधोलोक में सात पृथ्वियाँ हैं जिनके नाम रत्न प्रभा आदि हैं, उनमें 84 लाख नरक हैं। नरक कितने हैं, 84 लाख नरक। कैसे हैं 84 लाख, ये हमने 7 लाख सुने हैं, तो कहते हैं 7 सुने हमने, 7 नरक जो होते हैं वास्तव में 7 पृथ्वियाँ हैं, 7 पृथ्वी। तो उन पृथ्वियों में बिल बने हुए बिल, और वो बिल कैसे हैं कि उल्टे घड़े के आकार के बने हैं। तो जीव जब आता है तो उसमें जन्म लेता है इसमें उन बिलों में, और फिर वो वहां से गिरते हैं, माने जहां वो गिरते हैं उसका नाम नरक नहीं है, जहां वो जन्म लेते हैं माने जैसे ये पृथ्वी है नरक की, तो यहाँ बिल बने हुए हैं, तो वो जीव नरक गति का जीव वहां जन्म लेगा, और जन्म लेगा फिर वो गिर जाएगा पृथ्वी का। पृथ्वी 7 है और नरक कितने हैं, 84 लाख। तो ऐसे नरक में पहले नरक में इतने बिल हैं, 10 लाख बिल हैं, दूसरे नरक में ऐसे, तो मिला के 84 लाख। वहाँ का वातावरण अत्यंत दुर्दयी है,
वहाँ किसी भाग में शरीर को जला देने वाली गर्मी उष्णता है और कहीं शरीर को गला देने वाली भयंकर ठंड है। वहाँ अन्न पानी का पूर्ण के अभाव है। वहाँ के जीव तीव्र कषाय होने के कारण आपस में सतत लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य या तिरंज मरकर ऐसे संयोग में उत्पन्न होते हैं उन्हें नारकी कहते हैं। मनुष्य और तिरंज मनुष्य और तिरंज ये जीव मरकर देवगति देव से मरकर कभी नरक में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसे परिणाम होंगे नहीं। नरक गति का कारण क्या है? बहु आराम बहु करेगे उनके पास तो बहुत है देवों के पास तो इसलिए उनको इकट्ठा करने का भाव ही नहीं होता। वो बहु आराम बहु परिग्रह के अभाव में वहाँ नहीं जाते बल्कि तिरंज में जाते हैं ना के तिरंज में जाते हैं। और उनको ऐसा भाव होता है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा भाव हो जाता है कि मनुष्य बनने में ज़्यादा तकलीफ है कभी कभी इसलिए वो तिरंज बन जाते हैं। इसलिए हाँ तिरंज बन जाते हैं। वो कहते हैं 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा इससे भैया होने को नहीं जाना मुझे तो वो फिर वहाँ तिरंज में चले उन्हें नारकी कहते हैं। पाप का फल भोगने का स्थान नरक है। बहुत आरंभ करने और बहुत परिग्रह रखने के भाव रूप अपराध से मनुष्य या तिरंज को नरक आयु गति का बंध होता है जिसका उदय आने पर इस जीव को नरक गति माने हम भी जो परिणाम करते हैं नरक गति में बहु आरंभ बहु परिग्रह तो ये परिणाम वास्तव में हमें लगता ही नहीं कि हमें नरक गति ले जाना। जब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है लगता ही नहीं है कि परिणाम हमें दुख देने वाले हैं। और अभी आँख मिची और अभी नरक गति चालू हो जाए आँख मिचने का कोई भरोसा नहीं कब आँख मिची और कब नरक गति पहुँच गई और किस समय गति बन गई किस समय आयु बन गई गति तो प्रतिशत में बनेगी आयु एक बार बनती है और गति के परिणाम से बहुत समय बनते हैं। सात कर्मों का हरदम उदय हो जाता है एक गति तो आयु का नहीं आता आयु का तो एक बार ही आता है। नहीं गति तो हमें कर्मों का अनुसार ही मिलेगी ना कि हमने जैसे कर्म किए बिल्कुल अनुसार ही तो मिलेगी। बिल्कुल जैसे हमारे भाव होंगे बहुत आराम बहुत परिग्रह के भाव होंगे तो गति पहले से जमा बन गई है तो पहले से जानी होगी। मुझे देखो ऐसा है अभी इसमें कन्फर्म हम करेंगे हो सकता है कि हमारे नरक गति के भाव पहले ही बन रहे हों लेकिन अभी आयु नहीं बनी है। आयु नहीं बनती बाद में बनती आयु जैसे आयु मान लो बाद में बनी हाँ। तो लेकिन वो परिणाम इकट्ठे तो हो सकते हैं ना। अभी मान लो नहीं बनी आयु तो बननी है मान लो आयु बननी है लेकिन उसके गति के भाव तो पहले भी हो सकते हैं। आयु के निषेक तो वैसे मतलब गति के निषेक तो पहले ही बन सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? आयु तो 8 बार ऐसा समय आता है ना अपकर्षण अपकर्षण होता है 8 बार। जैसे आयु हमारी 80 साल की उम्र है तो उसका 1/3 कर लो 1/3 में एक समय आएगा कि ये समय आयु बनने का काल होगा उस समय नहीं बनती तो फिर जितनी बची है उसका 1/3 कर लो फिर जितनी बची है उसका 1/3 कर लो ऐसे बनती है 8 बार। 7 बार नहीं बनी तो 8वीं बार तो बना ही तो शायद वो कोई बता रहा था कि अष्टमी या 14 के जो दिन होते हैं उसमें शायद चांसेस कुछ होते हैं कैलकुलेशन करके ऐसे कुछ बता रहा था कोई कि उसमें आयु बनती है अष्टमी या 14 के आज ये जो ये आयु उसी भव की है या अगले भव की है क्या मतलब जो ये आयु बंद होता है इसी होता है। नहीं अब जैसे हम इस मनुष्य गति में है हाँ जी हमारी 80 साल की आयु है तो 80 साल में 8 बार समय ऐसे आएंगे जिस समय अगली आयु का बंद होगा अगली गति अगली गति अगली अगले भव की अगले भव का अच्छा 8 बार समय आएगा पता नहीं किस बार बंद होगा आपको ये 4 भव तो आपके गए जी वैसे वैसे बिकार ठीक है उनको तो ये भी पता है उनको तो पता है वास्तव में बनते नहीं है उसी गति से अच्छा
प्रीवियस लास्ट प्रीवियस, अच्छा पहले से रिजल्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि घटके दो चार गंदी बन गई। हाँ किसने जैसे बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिए या बहुत अच्छे काम कर दिए। अच्छा बहुत ज्यादा गलत काम करेंगे तो उसकी आयु बढ़ जाएगी उसी गति की। मान लीजिए जिसने ऐसा बंध बांधा कि जिसने पहले नरक के प्रणाम करे तो पहले नरक जाएगा, उसमें बहुत कम आयु 10,000 वर्ष मिनिमम है। और सातवें नरक में 33 सागर, 33 सागर, जिसने घोर पाप किए हों वो 33 सागर में जाएगा, तो उसमें आयु बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अगली में नरक जाएगा और फिर अगली में वहां जाएगा, लेकिन अगली में जाएगा तो उसके परिणाम तो वो वहीं करेगा ना, उसकी एक साथ परिणाम यहाँ कैसे कर लेगा, दो गतियों के परिणाम एक साथ कैसे कर लेगा, तो नरक में रहने वाला तो कभी ऊपर कैसे जाएगा? तो नहीं आएगा। नरक में तो आने के बहुत चांस है, नरक से ऊपर आने के नहीं तो नरक से ऊपर जाने के लिए जब नरक से। से हाँ नहीं, नरक से मनुष्य में आएगा ना, हाँ वो कैसे नरक से आएगा? मनुष्य ही। नरक में तो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। अच्छा वो ये जरूरी नहीं, क्यों नरक नरक में कृष्ण में दर्शन हो सुंदर जाता है, दर्शन हो नरक जाता है, नरक में भी में कृष्ण तो सुंदर दर्शन हो जाता है। अब बताओ तो ऐसे पर वो समझ जहाँ नहीं आ दिक्कत रहा। है वहां तो दिक्कत नहीं है, जब मार पड़ेगी ना तो आराम से सुंदर दर्शन यही यही पढ़वा दो ना क्यों वहां भेज दो नरक गति के वर्णन तो आप उसमें छेड़ाला से पढ़ोगे ना, छेड़ाला रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पढ़ लिया छेड़ाला पढ़ेगा स्पर्श करने मात्र से वहां के कर्कश भूमि इतनी जबरदस्त है, कुछ भी नहीं, अगर मिट्टी वहां का ग्रास ही इतना देखो सा वहां से, कण मिट्टी यहाँ भी पर आ आ जाए जाए तो कोसों दूर के लोग बीमार हो जाए, मार इसी जाए बीमारी मर, वो खा के मर जाए और क्या क्या है। बीमारी फैल जाए इतनी भयंकर वहां की भूमि के क्रम। सीढ़ी दिखाऊं आपको मैं अपनी चलो सीढ़ी करिए आप देखना अभी नहीं हम एक्साइटेड हैं। एक एनिमेशन सीढ़ी बनी है नरक की, वहां कैसे कैसे दुख, और नदी बह रही है खून की नदी बह रही है, बेहतरीन बेहतरीन उसमें धक्का दिया जाता है, बहुत तकलीफ। बताओ ये समझ लो कि अगर एक बार सच्चे हृदय से कोई वो नरक गति की सीढ़ी देख ले ना, वो ऐसे काम कुछ दिन नहीं तो थोड़े दिन वो शांत रहेगा भाई, कुछ नहीं करेगा। देखो चार्ज करते चार्ज आप सोचो ना, अभी 1 मिनट नहीं लगने यहाँ से देह छूट, पता नहीं चलता एक मिनट नहीं लगने, एक और देह छूटते ही इन समय में ये जीव दूसरी गति में पहुंच जाए, सेकंड। समझेगा। अब हमें जिंदमणि सुहाए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमें डर लग जाना चाहिए, भय भय लग जाना चाहिए संसार से, अभी भय नहीं लग रहा हमें संसार से। प्रति समय सोचना चाहिए कि तलवार सर पे खड़ी है, वो तलवार लेकर सर पे खड़ा हो कि बोल तेरे को बस अब क्या करना, तो उस समय जो कार्य हमें करने योग्य दिखेंगे वैसे हमें लगना चाहिए कि मनुष्य पर्याय में हम हैं, और यहाँ जो कार्य हम करने के लिए आए हैं बस वो ही हमें करना, किसी को न ठगने के परिणाम, किसी के प्रति क्रोध के परिणाम, किसी के प्रति राग द्वेष के परिणाम, सबके प्रति समता भाव, सबके प्रति कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी लक्ष्मी आवे आवे आया जाए, कब आएगा ऐसा दिन विचार करना बहु आराम करने और बहु करिए बढ़िया है, तो नर गति मिलती है। देव गति किसे कहते हैं, किस अपराध का फल, देव गति भी अपराध का फल है मोक्ष तो मनुष्य गति भाई, में हमें है, तो देव मोक्ष गति चाहिए में। ना, हाँ गतियां तो देव गति अपराध में के फल में नहीं, मिली हैं, देव गति में तो मनुष्य अपराध इसलिए कह रहे देव हैं से तो कहीं भी क्योंकि जा सकते हैं फिर भी। हाँ ये अपराध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सब कर्म की वजह से है, और कर्म माने अपराध। जब कोई मनुष्य या तिरंज गति में स्थित जीव मरकर देव आयु देव गति आदि कर्म के उदय में देव गति में जन्म लेता है, देव का शरीर धारण करता है, तब तो उसे देव कहते हैं, वास्तव में जीव देह न देव नहीं होता है, पुण्य का फल भोगने का स्थान देव गति है, माने जब जीव पुण्य का संचय कर लेता है तो उसको देव गति मिलती है ताकि उसके वहां पुण्य का उदय आए। पुण्य का उदय तो मनुष्य में भी है, पुण्य का उदय तिरंज में भी है, तीन गतियां शुभ कही गई है और एक गति अशुभ कही गई है, नरक गति अशुभ है, बाकी तीन गतियां शुभ है, तिरंज भी है। प्रियंश में प्रियंश का अभी तक मैं मतलब क्लियर नहीं हो पाया, प्रियंश किसे कहते हैं। जानवर भाई आप देखो ना, एक इंद्रिय से चार चार इंद्रिय तक के जीव ये इंद्रिय तो सब तिरंज हैं, और दूसरा पंचेंद्रिय तिरंज भी होते हैं, हाँ माने जितने भी ये
जितने भी मक्खी मच्छर चींटी मकोड़ा जितने भी हैं पेड़ पौधे सब पेड़ पौधे सब सबके किरण नीचे जाति के, सब किरण जाति के हैं। हम कौन सी जाति है? मनुष्य जाति है, पंचेंद्री। पंचेंद्रिय मनुष्य जाति। अच्छा पेड़ 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 पौधे भी पेड़ पौधे किरण किरण एक इंद्रिय जाति तो हो के, गया ना वो, एक इंद्रिय से इंद्रिय लेकर चार आप इंद्रिय तक, जो तो गारंटी से सब किरण है। ये प्रकृति का उसमें क्या क्या है? है एक इंद्रिय ये भी है, इंद्रिय जो पेड़ खड़ा है ये भी तो एक इंद्रिय है, ये भी नहीं तो इंद्रिय किरण है। जाति है और मनुष्य गति भी होते हैं, ये नहीं समझ में आया। मनुष्य गति अलग है किरण से अलग है। भाई मनुष्य तो हम और आप हैं, अभी हमें एक उदाहरण दिया, मनुष्य को दान देने का भाव आता है, ये भाव किसी और को नहीं आएगा, ना प्रिंस को आएगा है, ना नरक में आएगा और ना देवगति में आएगा। नहीं आपने अभी बताया त्रियंश में पंचेंद्रिय होते हैं, हाँ पंचेंद्रिय तो फिर मनुष्य ही हुए ना? नहीं नहीं कैसे, शेर है चीते सब शेर है सब पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय हाँ ये पंचेंद्रिय है, भी सभी तो अंदर त्रियंश पंचेंद्रिय, हुए तीन हैं। इंद्रिय है। वो बता दो मक्खी चार इंद्रिय इंद्रिय है, मतलब जैसे चींटी इंद्रिय के तो पांच पांच है। इंद्रियों में से कौन सी नहीं है मान लो, तो अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो तो जब तब समझ में आएगा ना कि भाई नाम है स्पर्शन, बस स्पर्शन वो एक इंद्रिय जीव वो दर्शना पौधे हो गया। घ्राण चक्षु और कर्ण, ये क्रम है, माने जिसके दो इंद्रिय होंगी पहली दो उसके होंगी, पहली दो होंगी, हाँ जिसके तीन होंगी तो उसकी पहली पहली तीन तीन होंगी, होंगी, फिर चार बस कौन सी सेकेंडरी का सवाल बताइएगा? स्पर्शन रसना रसना चक्षु यहाँ से इतना यहाँ से पहले क्या है क्या है पूरा याद करने का स्पर्शन नहीं तरीका है, ही होगा ऐसे लिखो पूरा की पूरा स्पर्शन नहीं है, इसलिए याद करने ये के भिंडी टमाटर सब सब एक इंद्रिय है, आलू तो है पर तो ये भिंडी टमाटर भी सब है एक इंद्रिय है, सब एक इंद्रिय चाहिए। और ये जो हम वो खाते हैं ना ग्राम एंटीबायोटिक, हाँ जी एंटीबायोटिक में भी हम एक इंद्रिय को मार रहे हैं अंदर, अपने अपने शरीर के अंदर ताकि जल्दी जो अच्छे जीवाणु आ पैदा, जाए हाँ उसको हमने एंटीबायोटिक खा के मार एंटीबायोटिक। दिया, मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई वो भी एंटीबायोटिक हिंसा माने है, क्या? कीड़ों को मारने की दवाई जो है हिंसा वो है वो भी। अंदर में जो इन्फेक्शन फैला है जिनकी जिन बैक्टीरिया से उनको मारने की दवाई है, तो बैक्टीरिया वो तो है तो हिंसा ही, है तो हिंसा इसलिए तो दवाई खाने का निषेध किया है हमने। हाँ एंटीबायोटिक किरण आप पंचेंद्रिय से मत देखो, माने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किरण होते हैं और मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं, देव पंचेंद्रिय ही होते हैं, नारकी पंचेंद्रिय ही होते हैं, लेकिन त्रियंचो में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक अलग अलग जीव सब कुछ नार के भी पंचेंद्रिय नार के पंचेंद्रिय होते हैं। जो निगोद में होता है पर वो निगोद के तो एक इंद्रिय जीव, एक वो एक इंद्रिय इंद्रिय होता है। देव देव भी दान नहीं देव देते है, हैं, देव दान हाँ दान देते देते हैं हो, देव दान दान किसको देते हैं। देंगे? दान नहीं का नहीं परिणाम तो मतलब मनुष्य गति का है, दान का फल अच्छा दान का जो परिणाम है वो मनुष्य गति का है, वो कहाँ दान है? दान कहाँ दे उनका तो सब वैक्रियक है, नगर की रचना कर देंगे लेकिन वो टिक नहीं सकती वहाँ, वो हटेगी हटेगी, समोसन रचा जाता है और जाता वो सब हट जाता है, वैक्रियक है वो कहाँ दान देंगे। जमीनों में एक इंद्रिय होते हैं, एक निगोद इंद्रिय को एक से इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय निगोद में एक इंद्रिय ही होते हैं, होते हैं निगोदिया और उसके ऊपर फिर पांच स्थावर काय जीव, तो सब एक इंद्रिय है, जल काय अग्नि काय वायु वायु वनस्पति और पृथ्वी काय, वो ये सब सब एक एक है। इंद्रिय जीव। उसके बाद दो इंद्रिय चालू होती है, दो इंद्रिय में जैसे अपने सर की जू दो इंद्रिय है, चींटी तीन इंद्रिय है, मक्खी चार इंद्रिय है ना। अब जैसे कभी आप देखना है जैसे अपने डेक चलाते हैं कभी, तो वहां पर जरा सा मीठा डाल दें क्या है फिर तो वहां मक्खी बैठ जाएगी, उसकी आवाज से उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तेज आवाज से कान नहीं है कान में उसको ना, तो उसको करने दे सुनाई नहीं देता, है नहीं करने दे उसको, वो चार इंद्रिय है, हम सब पंचेंद्रिय हैं। जो सांप है वो भी उसके भी वो नहीं है, सांप दो प्रकार के होते हैं, उसके कान नहीं है, मेरे सांप के कान भी एक नहीं है। असंगी होता है एक संगी होता है, हाँ एक संगी असंगी भी भेद है, माने पंच इंद्रिय में दो भेद होते हैं, एक संगी और एक असंगी, माने असंगी जिसके मन नहीं है और संगी जिसके मन है, पंचेंद्रिय संगी और पंचेंद्रिय असंगी, सैनी और सैनी सैनी और सैनी सैनी और तो उसमें सांप में ऐसी जाति होती है, एक तोते में जाति होती है और एक सांप की ऐसी जाति होती है कि वो संगी असंगी दोनों होते हैं, वैसे अच्छा दोनों तरह के होते हैं, वैसे सारे तोते संगी पंचेंद्रिय हैं लेकिन कुछ एक प्रजाति ऐसी होती है उसकी जिसमें वो संगी पाए जाए, एक दुमई आती है, दुमई करके कहते हैं उसको, दुमई तो बरसात में
जैसे ये गाय भैंस नहीं। वगैरह ये ये संगी संगी, ये पंजीयन तो भी है, संगी के संगी पंजीयन संगी, ये जैसा तो कुत्ता हाँ क्योंकि बिल्ली ये तो मोह करते हैं, मतलब मालूम बिल्कुल होता है ये तो मोह सब करते लोग दर्शन हैं। कर सकते हैं। ये सुअर को सब लोग दर्शन हो सकता है। देखो जीव की कैसी कैसी अवस्था हो जाती है। जीव तो जीव है, ये समझने का सबसे सुंदर अवसर अपने को मिला है। तिरंचों को फुर्सत नहीं, नारकियों को फुर्सत नहीं, देवों को तो अपने वैभव से फुर्सत नहीं। हालांकि सम्यक दर्शन वहाँ भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, देवगति में भी हो सकता है, और तिरंच में भी हो सकता है, मनुष्य में भी हो सकता है, लेकिन समझने समझाने का ये अवसर जो है ये मनुष्य के तुलना विशेष है। ठीक है ना। अब देखो संयम के भाव, संयम भाव के साथ रहने वाले शुभ भाव में रागांश, असंयम के साथ रहने वाले मंद कषाय भाव में भाव, और अज्ञान पूर्वक किए गए तपश्चरण के भाव रूप अपराध से मनुष्य या तिरंच को देव आयु गति का बंध होता है, जिसका उदय आने पर इस जीव को देवगति प्राप्त होती है। देखो अज्ञान पूर्वक किया गया तपश्चरण, अज्ञान पूर्वक माने कि भाई तप तो ले लिया, नियम तो ले लिया, सुना ध्यान दे, नियम तो ले लिया, रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, और नियम पालना है लेकिन परिणाम खराब हो रहे हैं, नियम का वो निकल रहा है, ये अज्ञान पूर्वक है खाली ना। तो उससे भी यदि भी मिलेगा स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि नियम नहीं तोड़ा, जो भावना में भाई महाराज जी से ना तो भाई ना तो परिणाम लेकिन तो क्या करेगा। परिणाम खराब। तो कहने का अज्ञानता पूर्वक, अज्ञानता पूर्वक में और भी बहुत सारे, जैसे पंचांग तप करना है, खड़े खड़े तप करना, जैसे हमने दोनों अन्य वेदों में चलता है ना, एक पैर पर खड़े होकर तप करना, वो करते थे ना कमटका कमर का नाना, नाना, कमर का जी था हाँ इसका कमट बारह का जी करते लाख ना, भगवान का नाना। पंचांग में तप करते। तो कहने का मतलब अज्ञानता पूर्वक किए गए तपस्याओं के जो भाव हैं वो भी देवायु के कारण हैं। और क्या कारण है? शुभ भाव में माने दीन भगवान की पूजन भक्ति, उनकी प्रभावना, ज्यादा से ज्यादा जीवाने की प्रभावना, ज्यादा से ज्यादा धर्म की प्रभावना, जैसे आजकल मैसेज चल रहे हैं तो धर्म की जितनी ज्यादा प्रभावना हो, ऐसा मन करे कि भाई किस तरह से धर्म की प्रभावना हो, किस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो, ये सब भाव जो है ये सब देवगति के साथ। चलिए छठा क्वेश्चन, मनुष्य और तिरंग गति संबंधी जीव तो हमें दिखाई देते हैं, अतः उन्हें स्वीकार करना ठीक है, परंतु तो नरक और देवगति तो आंखों से दिखाई नहीं देती, तब उन्हें कैसे स्वीकार किया जाए? ये प्रश्न हमारा भी हो सकता है, यद्यपि हम तो विश्वास करते हैं जैन धर्म पे, लिखा हम तो है भागवत में लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी नॉन जैनों का जब ये प्रश्न हो जाता है तो हम भी उसमें सोचने लगते हैं कभी कभी, तो बात तो सही है, हम जो कि हमें देखी नहीं उसको स्वीकार कैसे करें। तो उसके लिए उदाहरण भी वैसे तो आया है, टोटम ने दिया है, वो कहते हैं कि भाई जो चीज़ हमने नहीं देखी वो चीज़ नहीं है, ये इसका कोई प्रमाण नहीं, ये उसका कोई मतलब सिद्धि नहीं है, मैंने हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी हमने नहीं देखे, तो वो हैं कि नहीं थे, थे कि नहीं थे ना, ये तो है ना। है ना, हैं तो ऐसे अब हमने नहीं देखे तो ये इसका बात का प्रमाण नहीं कि वो थे कि नहीं थे, यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि हमने नहीं देखे बात अलग है, लेकिन केवल ज्ञान ने तो देखे हैं। पढ़िए, यद्यपि ये दोनों गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती, तथापि पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ने इन्हें प्रत्यक्ष देखकर बतलाया है, अतः स्वीकार करना ही चाहिए, तर्क से भी इनकी सिद्धि होती है। वह इस प्रकार, जैसे किसी मनुष्य ने यहाँ हजारों जीवों का घात किया, अंत में यदि वह पकड़ा गया तो सरकार उसे मात्र एक बार ही फांसी की सजा देती है, एक बार में ही शरीर को नष्ट हो जाने से उसे अन्य पापों की सजा यहाँ तो ना मिल सकेगी, तब फिर अवश्य कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ उसे इन सब पापों की सजा मिल सके, उसका शरीर भी वैसा हो जो हजारों बार फांसी पर चढ़ा दिए जाने पर भी
नष्ट नष्ट ना हो, उस स्थान का नाम नरक है। क्या बोलना, देखो हमारे पैर के नीचे जितनी चींटियां आएंगी ना, उतनी बार हमें जन्मन करना पड़ेगा। अरे पन्ना दर्शन नहीं किया था मैं तुम्हारे में, नहीं आया था सजाई, लेकिन कानून में तो सजा एक ही बार फांसी है। कानून तो एक ही बार दे सकता है, बार बार कैसे मारेगा। तो जो इतनी सारी चींटियां मरी, इतने सारे जीवों को मारा, जल ले चींटियों को मारने के लिए मनुष्य को मारने से एक बार फांसी मिलेगी। हाँ यार वो तो वैसे मिलेगी मिलेगी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि एक क्या वो मतलब कुछ जलने की बदबू आ रही, बिजली के तार। ऊपर से आ रही थी, ऊपर देख रही। तो उस स्थान का नाम नरक है जहाँ हमें बार बार मरना पड़ता है। वहां का शरीर कैसा होता है कि एक बार घट जाता है फिर जुड़ जाता है, फिर भी घट जाता है फिर जुड़ जाता है। वो हमें सजा मिलती है किसकी, कि जितनी बार हमने जीवों को जितने जीवों को घात किया उतने जीवों को बार बार मरकर हमें सजा उसकी भुगतनी पड़ेगी। तो उसी सजा एक बार भी मिल जाती है, जैसे नरक में अगर सारी सजाएं खत्म हो गई, सारे खत्म कर्म खत्म हो गए, जितने बांधे थे उतने तो उदय में आएंगे, सब उदय में जगह जगह आते हैं बार बार, कभी किसी में मिले कभी किसी में मिले, नरक में जाके संतुष्ट है। उस स्थान का नाम नरक है, वहाँ वैकल्पिक शरीर होने के कारण उसे तिल तिल के बराबर टुकड़ों में खंडित कर दिए जाने पर भी क्षण भर में पुनः एक अखंड शरीर बन जाता है। इस प्रकार संपूर्ण पापों को भोगने के स्थान रूप में नरक भी है। इसी प्रकार यदि यहाँ किसी मनुष्य ने पूर्ण जीवन भर अनेकों अच्छे अच्छे कार्य किए तो भी समाज या सरकार तो उसे एक दो बार ही सम्मानित कर सकेगी, संपूर्ण अच्छे कार्यों का फल उसे यहाँ नहीं मिल सकेगा। तब फिर अवश्य कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ उसे अपने संपूर्ण अच्छे कार्यों का फल देखो, प्रकृति में अन्याय नहीं है, प्रकृति बिल्कुल बराबर बैलेंसड बनाती है। जिसने अगर पांच अच्छे काम किए हैं ना तो उसे पांच ही के ही बराबर उसका सम्मान होगा। प्रकृति में अन्याय है, इसलिए कर्मों का जो फल है, कर्मों का जो बंध है वो हमारे फेवर में ही एक तरह से देखा जाए तो अच्छे आदमी के लिए, अच्छे मतलब भाई सबके लिए है। मैंने देखो अगर गंदगी के लिए पाप का बंध हो रहा है, अगर हमें पाप का बंध हो रहा है तो वो भी हमें सुधारने के लिए तो हो रहा है ना, कर्मों को क्या पता। आप ये देखो मतलब अनुभव करो कि हमने कोई परिणाम पाप का किया तो यहाँ जो प्रकृति मतलब पुद्गल प्रकृति थी, पुद्गल परमाणु थे, वो पुद्गल परमाणु स्वयमेव कर्म रूप परिणमन होकर हमारे साथ छिपक गए। अब उन्हें क्या पता था कि ये जीव ऐसा परिणाम, लेकिन एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है पुद्गल प्रकृतियों में, पुद्गल परमाणुओं में और जीव के भावों में। तो ये सब मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी जगत में परमाणु हैं सब जिनेंद्र भगवान की आराधना में लगे हैं। माने जैसे हमने भगवान की विराधना करी तो यहाँ जो परमाणु थे वो हमें सब बन गए, तो उन परमाणुओं ने जिनेंद्र भगवान की विराधना करने का फल हमें दिया ना, तो वो जिनेंद्र भगवान की आराधना ही कर रहे हैं एक तरह से। जितने भी परमाणु हैं वो सब जैन धर्म की आराधना में लगे हैं, पुद्गल होके भी, हालांकि है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध। माने ये चौकी भी जिनेंद्र भगवान की आराधना में लग रही है। अच्छा बिल्कुल भाई, ये परमाणु भी तो कभी कर्म रूप परिणमन हो सकते हैं ना, ये भी बिल्कुल, ये जो चौकी के परमाणु हैं ये भी कभी सूक्ष्म रूप से परिणमन करके यहाँ होंगे और वो कभी हमारे संग कर्म रूप परिणमन होंगे। तो हम जैसे भाव करेंगे वैसे ही हमारा बनेगा। और देखो जब हम अच्छे भाव करते हैं तो यही परमाणु हमें पुण्य रूप बन जाते हैं, तो पुण्य का उदय आ जाता है। कैसी व्यवस्था है कर्मों के लिए, माने हम बच नहीं सकते, कानून से बचा जा सकता है लेकिन कर्मों से नहीं बचा जा सकता, प्रति समय कर्म का आश्रय। उस स्थान का नाम स्वर्ग है, वहाँ सभी प्रकार की सुंदरतम लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति, दिव्य निरोग शरीर आदि उसी के फल हैं। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि जीव जहाँ से आता है प्रायः वहाँ के संस्कार अगले भव में बिना सिखाए ही देखे जाते हैं।
एक दो वर्ष के छोटे छोटे बच्चों में बिना कुछ सिखाए ही अनेक प्रकार के संस्कार दिखाई देते हैं जिनसे विविध गतियों की सिद्धि स्वतः होती है। ये भी एक सिद्धि का कारण है। मैंने कोई बच्चा आया हमारे परिवार में और बहुत उद्दंडी, बहुत परेशान करने वाला, जब देखो इधर भाग उधर भाग, चैन से बैठना ही नहीं, कितने डांट लो कितने मार लो, क्या सोचा है? जरूर कहीं से या तो कि ऐसे तिरछी योनि से आया है या नर गति से आया है, जहाँ उसको छटपटाने की आदत थी वो अभी तक गई नहीं। हाँ कुछ बच्चे होते हैं ना कि एक जगह टिक के बैठती हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, हो सकता है बंदर की योनि से आए हो, है कि नहीं? तो इससे भी सिद्ध होता है कि पिछली गति थी, हमने नहीं देखी तो क्या ये होता? भी हो ना, जो इस घर में आया तो उसने माँ बाप के भी कर्म उनके साथ होंगे, उनको उनके जो हम साथ जेनेटिक हुआ, जिसको उसमें कह जेनेटिक देते जेनेटिक हैं संबंध है। जेनेटिक संबंध हाँ जिसको जेनेटिक कह देते हैं हम, जैसे मतलब कि बच्चा जो है वो परिवार पे ही परिवार में आता है। आया जो उनके मतलब परिवार में आया लेकिन कर्म तो अपने लेके आए हाँ ना, जी और उसके कर्म जैसे हैं उन हमारे भी उसके साथ निरंतर निरंतर संबंध है। माने हमने हमने ऐसे पाप किए थे जो संयोग हमें ऐसा मिला, ऐसा मिला माने दो जीवों के कर्म एक साथ मिल गए वो तो तो उसके संयोग में वैसा जीव आ गया। हमने पुण्य किए थे तो हमारे पता संयोग में ऐसा जीव आया कि जो धर्म की आराधना कर रहा है, चलेगा इसमें हमारा ये भी। जैसे स्वभाव कई बार हम ही कहते हैं ना, फिर इसका स्वभाव बिल्कुल अपने से दादा जैसा है या किसी हाँ के, तो वो फिर वो तो पहले क्रम वो जन्म पहले जन्म में से भी ही कोई ना कुछ कोई हो संबंध होगा ना उनका, भाई, हो सकता है कि कोई ना कोई उसका पिछला जन्म रहा हो साथ में, और निदान भी हो जाता है, निदान मन भी बनता है। माने किसी जीव को किसी जीव से बहुत राग था पहले, अच्छा, ऐसा आने से द्वेष तो भी वो निकलता निदान है बन तो जाता है। जैसे द्वेष का निदान होता है ऐसे राग का भी निदान है। हम छोड़ नहीं पाते, मान लो किसी को अपने भाई से हमें बहुत प्रेम है, जैसे रामचंद्र जी को लक्ष्मण से प्रेम था, अटूट प्रेम था, छह महीने तक देखो, छह महीने छह तक ढाई समय दर्शन एक दिया, समय दस, और वो नरक में है, मोक्ष वो पधारे, मोक्ष है तो लक्ष्मण जी नरक में है, इसे ना थी। वो श्रद्धालय में बैठ क्रोध के मारे, हैं क्रोध के मारे कौन? लक्ष्मण हाँ जी नारायण तो नियमित भाई से जाते ही नारायण जाते थे, हैं नियम नारायण थे से। तो नारायण थे क्योंकि नारायण के हाथों प्रति नारायण की घात होता है, नियम तो नियम। से लेकिन जाएंगे वो भी मोक्ष, करेक्ट तेसर श्लाघा के पुरुष सब मोक्ष जाते हैं, तेसर श्लाघा के पुरुष सब मोक्ष जाते हैं, सब मोक्ष जाएंगे धीरे, आगे पीछे सब मोक्ष। वैसे 169 है ना, वो बताया कि माँ बाप वो भी माता वो पिता भी को माता मिला पिता को के भी मिला है इन्होंने, वैसे मुख्य रूप से 63 आए हैं, वैसे 63 है लेकिन और उनके भेद पर भेद मतलब माता पिता को मिला लो उसमें आ गए, ऐसा उपर्युक्त। हाँ जी यहाँ तक हमें उपर्युक्त चारों गतियों में सबसे अच्छी गति कौन सी है? चारों ही गतियाँ अपने अपराधों की सजा भोगने के स्थान होने से यहाँ जन्म मरण आतुरता पराधीनता इत्यादि अनेकों दुख होने के कारण तथा सभी स्वयं संसार रूप होने के कारण इनमें से कोई भी गति अच्छी नहीं है। इन सभी से पूर्णतया भिन्न एकमात्र सिद्ध गति रूप पंचम गति ही पूर्ण निराकुल आनंद में होने से है। माने सिद्ध गति हमें प्राप्त करनी है क्योंकि वहां कोई कर्म का उदय नहीं है। देव गति में तो एक प्रश्न हो लेंगे, देव गति में तो सभी प्रकार की लौकिक सुख सुविधाएं विद्यमान है, वहां कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, तब उसे अच्छी गति क्यों नहीं कह सकते? तो देवगति में लौकिक सुख सुविधाएं भोग सामग्रियों की बहुलता होने पर भी वास्तव में वहां जन्म मरण आकुलता आदि दुखों का अभाव नहीं है। देवगति के जीव इंद्र अहमिंद्र आदि भी पंचेंद्रिय विषय भोगों की लालसा वासना से पीड़ित हैं, मोह राग द्वेष आदि अपराधी वृत्तियां निरंतर विद्यमान होने से उन्हें भी निरंतर कर्मों का बंध होता रहता है, जिसका फल उन्हें भोगना पड़ता है। कभी कभी तो परिणाम इतने आप ध्यान में हो जाते हैं कि दूसरे स्वर्ग तक के देव मरकर एक केंद्रीय वनस्पति आदि भी हो जाते हैं। माने कोई देव अगर कोई वनस्पति बनेगा तो वो तीसरे देव का नहीं बनेगा, दूसरे दूसरे देव देव का बनेगा, दूसरे स्वर्ग तक का जीव बनेगा, तथा 12वें स्वर्ग तक के देव मरकर पंचेंद्रिय चिरंजीवी हो जाते हैं। इस प्रकार अपने अपराध की सजा भोगने का स्थान होने से तथा आकुलता में संसार रूप होने से भोग सामग्री की बहुलता होने पर भी यह गति अच्छी नहीं
तीन क्वेश्चन रहेंगे अगली क्लास में करेंगे इसको। मैंने ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सुख सुविधाएं होने से जीव सुखी हो जाए, ये कोई प्रमाणित नहीं है क्यों? क्योंकि बाहर की आपको ये सब साधन तो ये आप उल्टा बढ़ाने वाले हैं, और सुख किसमें है कि आप उल्टा दे रखा हो, निराकुलता में सुख है। आत्म को सुख है सुख सो सुख आप उल्टा दिन कहिए, जो दौलत राम जी की पंक्तियाँ हैं, तो इसलिए आकुलता खत्म होनी चाहिए तभी वहाँ पर सुख है। और जो वाणी माता की जैसे ये एक इंद्रिय वनस्पति का एक वगैरह है, तो ये छुटते कैसे अपनी फिर से, क्योंकि दो इंद्रिय तो चलिए मतलब वो तो मर जाते हैं, उनके भी वहाँ सुबह सुबह परिणाम होते हैं। जैसे पेड़ है उसका हाँ। काट के उसका फर्नीचर बन गया या हाँ। तो मतलब उस समय फिर उसके अंदर जीव है। बिल्कुल है, लेकिन ऐसा है जैसे एक पेड़ है तो उसमें एक इंद्रिय एक जीव है, उसकी एक टहनी काट ली तो टहनी कट के अलग हो गई, लेकिन उसके जो आत्मा के प्रदेश है वो भी वही है, टहनी अलग हो गई। वो तो जब जड़ से उखड़ेगा तब तो उस जीव का वहां से अनंत जीव भी है वनस्पति में, और एक इंद्रिय में एक जीव, एक पेड़ में एक जीव भी है, और वैसे तो अनंत है, एक एक पत्ती पर अनंत अनंत जीव राशि बैठी। जो चीज़ बढ़ सकती है वो जीव है, हैं? जो चीज़ ये परिभाषा है बढ़ने में, तो आप देखो ना पुद्गल भी बढ़ जाता है, पुद्गल भी स्कंद रूप हो जाता है। जैसे जैसे आप ये देखो एक गोली आती है ना, एक गोली बहुत छोटी सी बच्चों की, इतनी बहुत छोटी सी गोली आती है, उसको रात को पानी में रखो पानी में रख दो रात को सुबह तक आपको इतनी मोटी, वो भी बढ़ गई लेकिन वो जी थोड़ी बच्चों को लाकर देखा और वो बड़ी हो गई, तभी मुझे विचार आया, मैंने कहा देखो पुद्गल भी जीव शक्ति बढ़ने की है, आपके एग्जांपल नहीं है आपके पास, तो विचार आया कि देखो ये फिट उसमें हो सकता है, बढ़ने का नाम जीव हो ऐसा नहीं, जीव माने जहाँ सुख दुख का वेदन जानना देखना हो, मतलब पेड़ को भी हम जैसे हाथ मारते चलते हैं तो उसको भी लगता है, हम लोग चलते हुए ऐसे पेड़ पे, वो कह रहे अफ्रीका के वो पेड़ होते हैं ना वो भी बतला लेते, कह रहे थे वो झुक जाते हैं जैसे कोई इंसान से वो लेना होता है, उनको ज्ञान हो जाए तो कर लेते हैं, तीव्र कसाई होते हैं, कसाई करो वो ले लेते हैं बदला, तो झंझट लेते हैं उसको। आचार्य विद्यानंद जी ने बतलाया था कि अग्नि में चारों कसाई होते हैं, अग्नि देखो कैसे, एक तो वो गर्म होती है तो उसकी वो क्रोध मान इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ऊपर ही ऊपर ही होती है, नीचे की तरफ नहीं लो जाती है, तो हमेशा मान में क्या रहता है ऊपर ही। मायाचारी कैसी है, मायाचारी ऐसी बतलाई उसमें कि जैसे राख में राख से धनियों पे अंगारा हो, वो दिख नहीं रहा ऊपर से लेकिन अंदर में अग्नि है, और लोभ में उसमें अग्नि में खूब डाल दो कुछ भी सब भस्म कर लेंगे, सब हजम कर लेंगे, तो ये लोभ कसाई वास्तव में है नहीं, भाई जितने भी संसारी जीव हैं उनमें सब कसाए हैं, हम भगवान को छोड़ के मुनि राजाओं को छोड़ के जवानी के ज्ञान से सोचे लोग का लोग।